अस्सलामु अलैकुम जनाब, उम्मीद करना कि तुसी सारे खरीयत नाल होवोगे। अल्लाह दा करम है, शुक्र है उंदी जात दा कि मैं भी खरीयत नाल हां। ते जनाब अज दी जिहड़ी वीडियो है, वो वीडियो जिहड़ा थम लग्या होया है, लिखिया होया है थले, वो ये लिखिया गुड न्यूज गैट वन गोट इन जस्ट 4000 रुपीज फ्रॉम गवर्नमेंट फार्म, यानी कि गवर्नमेंट दे फार्मा तो 4000 रुपए तो जरा बच्चा वो दिता जाता है। तो ये किवें दिता जाता है, बड़ी वीडियो चल रही है और ये जरा मैं तो दसन लग्या और इन को भी मालूमात ये लैने वीडियो शुरू करने। इस तो पहले अगर तुसी चैनल नू सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लवो, बैल आइकन जरूर प्रेस करया करो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जी थोड़े तक पहुँच सके। चलो जनाब वीडियो शुरू करने हैं जी। वालेकुम सर। हाँ तो बस हम सर लोकेशन बस आपने क्लियर करनी है, इस दफ़ा नाम मैंने बता दिया। लोकेशन हमारी ये आप खड़े बहादुर फार्म पे जी, और ये फैसला अखाड़ा के अंदर मौजूद है, अखाड़ा से फैसला 18 किलोमीटर सही है। ठीक है, और टेडी ब्रीड की मसला आपके पास 370 गोट्स हैं यहाँ किड्स को इंक्लूड करके। अच्छा सर, इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, आपसे भी यकीनन पूछ रहे होंगे कि अगर हम इस फार्म से गवर्नमेंट के फार्म से जानवर लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा प्रोसेस बता दें। फार्म को अगर लेना है कि हम जो है बच्चे जो मेल होते हैं वो देते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए, 500 का और 400 का, यानी कि उसका 4000 का। जी जी जी। तो उसमें ये है कि वो हम देते हैं उन लोगों को जिनके पास कोई एनिमल रखे हुए हैं, उनको ब्रीडर चाहिए हो, तो हम ये एक एनिमल इशू करते हैं जिनके पास। लो जी, ये बड़ी अहम गल हैगी है। वीडियो दे विच ये मैं तुहानू दसन लग्या कि उन्होंने कहा है कि असी ये उन बंदियां नू ये देईदे ने जानवर असी देने आ जेड़े के ब्रीडिंग वास्ते लेना चाहते हो। उंज वीडियो दे उत्ते जेड़ा लिखा होया है कि ये 4000 रुपए का तुसी बच्चा ले लो, इस तरह की कोई गल नहीं हैगी। गल सिर्फ है कि अगर तो तुहाडे कोले जानवर तुसी घरे रखे हुए ने, वो डंगर रखे ने, तो फिर तुहानू वो एक ब्रीडर जिहड़ा वो तुहानू देणगे, और वो ब्रीडर फिर तुहानू वेच नहीं तुसी सकदे। ये नहीं है कि 4000 रुपये का लैके तो तुसी वेच देना, वो वेच नहीं तुसी सकदे। वो चैक करते रहणगे, जो मर्जी आवन वो तुहाडे कोलों वो चैक करन, ते वो निगरानी आपदी वो करते रहणगे तुहाडे उत्ते कि तुहाडे कोले जिहड़ा ब्रीडर असी दिता है वो ब्रीडर डैडी हो। 3500 का 4000 कम इनको इशू करेंगे, वो उसकी एज होगी 60 से 90 दिन और 90 से 120 दिन सही है एज होगी। लेकिन अगर आपने फीमेल लेनी है तो फीमेल के लिए हम तकरीबन साल के अंदर दो दफा ऑप्शन करते हैं, सही है, यानी कि बोली करते हैं, अखबार के अंदर इश्तहार करते हैं। अगर फीमेल लेनी है, ये भी तुहानू दस्सदा पे, अगर तो तुसी फीमेल लेनी है, ब्रीडर लेना है तो उनका वो अलहदा तरीकाकार है, अगर फीमेल लेनी है तो उनका अलहदा तरीकाकार है। वो साल दे विच दो वारी नीलामी करते ने, साल दे विच दो वारी नीलामी करते ने, ते फिर वो जाके फिर हम उसके अंदर आप यानी कि ले सकते हैं। वो उनके विच ले सकते हैं। नवंबर के अंदर हमने कोई 36-40 एनिमल हमने ऑप्शन किए थे, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड जो है ऑप्शन जो है वो मई या जून के अंदर होगा, फिर आप फीमेल जो है वो परचेज कर सकते हैं। सही है सर। अच्छा, किसी ने फॉर एग्जाम्पल जो टैडी 10 रखी हुई है तो उसने वो बच्चा लेना है बकरा, उसको कोई स्पेशल परफॉर्मा फिल करना पड़ता है? वो सिंपल आए इधर और हमें एप्लीकेशन दे सिंपल पेज पे, ठीक है, बकरियां रखी है मुझे मेल चाहिए, तो हम उसको इशू कर देंगे। सही है। वो 35 अगर वो 60 से 90 दिन का तो हम उसको 3500 लेंगे। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तो तुसी आम दरखास्त देनी पड़ेगी कि लिख के देना पड़ेगा कि जनाब असी जानवर रखे हुए ने सानू, या असी 20 बकरियां रखी हैं या 25 बकरियां, सानू एक ब्रीडर चाहिए, तो वह असी फिर एक फार्म जरा फिल करके देना पैदा। उ तरीकेकार जरा तुम मैं पहले दस चुकिया, इनका यही तरीकेकार है, और फिर वो तो
उनको देने के बाद भी गवर्नमेंट के क्या उनका मतलब के कुछ रिकॉर्ड रखती है उन जानवरों का? हम रिकॉर्ड रखते हैं कि ये हमारा उसका नाम फोन नंबर हो जाए हमारे पास आ जाते हैं। हाँ जी, तो हम बार बार विजिट भी कर लेते हैं उनके पास। ठीक है, मतलब कि आगे बंदा सेल ना करे इस मतलब के मकसद सिर्फ ये है कि वो मेल जो आप ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं वो ब्रीडिंग के लिए यूज करें पर बजाय के स्लॉटरिंग के लिए यूज ना करें। सही है, सही है, इस ब्रीड को आगे बढ़ाया जाए। मुझे काफी दोस्तों के वो मैसेज वगैरह और आ रहे थे, वो फिर काफी मैं बिजी था थोड़ा, ऑस्ट्रेलियन कैटल शो था हमारा अपना शो था, तो उसमें काफी लोगों के मैसेज वगैरह आए, उसके लिए मैं माजरत चाहूं कि मैं उनको रिप्लाई वगैरह नहीं दे सकता। सर नंबर तो आप एक दफा फिर बोलें। नंबर मेरा जी 0302-6720-672। अच्छा, जब आप ऑप्शन करते हैं तो जो नया नंबर नोट कर लो, दोबारा फिर नंबर नोट 6720-672। अच्छा, जब आप ऑक्शन करते हैं तो जो नया स्टॉक होता है वो देते हैं या जो बड़ी बकरी है वो भी दे देते हैं? हमारे पास क्योंकि सरप्लस जो भी एनिमल होते हैं वो बच्चे हो बड़े हो 6720-672। अच्छा, जब आप ऑक्शन करते हैं तो जो नया स्टॉक होता है वो देते हैं या जो बड़ी बकरी है वो भी दे देते हैं? हमारे पास क्योंकि सरप्लस जो भी एनिमल होते हैं वो बच्चे हो बड़े हो मेल हो फीमेल हो, सही है, तो जो भी हमारे पास सरप्लस स्टॉक होगा वो हम उसको सेल करते हैं। सही हो गया सर। और एट द टाइम जो बड़े बक्स यानी कि इनके लिहाज से ब्रीडर हैं वो आपके पास कितने होंगे? हमारे पास 8 ब्रीडर जो हमने अपने यानी ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं इन एनिमल्स। सही है, तो एक जो ब्रीडर होता है वो 25 एनिमल के लिए इनफ होता है, इनफ होता है, 25 फीमेल बकरियों के लिए वो सही है। ठीक है सर, एक मेल सही हो गया सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये थी जी छोटी सी वीडियो। लो जनाब, ये थी छोटी जी वीडियो। इन उनका कहना है कि 25 बकरियां वास्ते एक ब्रीडर जड़ा है वो होना जरूरी है, तो इस वास्ते असी जड़ा है अगर कोई बकरियां किसी ने रखी हुई फिर वो दरखास्त जी लिख के वो देनी पैंदी है, फिर वो बच्चा जड़ा है 80 दिन का 120 दिन का वो दिता जाता है। बार बार मैं कह रहा जे जिन्हें बकरियां रखी ने तो बकरी वो जड़ा ब्रीडर तुम देगा वो तुम हलाल नहीं कर सकते ना तुम उन्होंने किसी बेच सकते जे, सिर्फ ब्रीडर इस्तेमाल करने वास्ते ताकि ये टैडी बकरियां की नस्ल अगे वधाई जा सके। तो जनाब ये वीडियो तो अक्सर जी दोस्तों ने थंबनेल उत्ते कुछ होर दिता होंदा है, कुछ होर होंदा है, इसलिए जरा इन तफसील वजाहत जी तुम दी है। वीडियो दोस्तों शेयर करा जे, दस्या जे कि वीडियो तुहानू इस तरह दी लगी। इजाजत चाहना, इंशाल्लाह वीडियो च फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।